ये झूठे वादे करती है, झूठों की सरकार है कि जहां अस्पताल की जरूरत है, जहां कॉलेजों की जरूरत है, वहां मंदिर मस्जिद बना रही है। बैकवर्ड समाज ये ठगा सा अपने आप को महसूस करता है। महंगाई और बेरोजगारी ने तो आलम बहुत नाजुक कर दिया है। देश का जो कर्ज हुआ है जो पहले 64 लाख था, 140 करोड़ हो गया, ये तो इस बीजेपी सरकार की उपलब्धि है। 15 लाख वाली बात थी, वो 5 किलो राशन पर आ गई, 15 लाख तो आपको मिलेगी। बहन जी ही केवल रास्ता है और हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। केवल 2 परिवारों में सिमट गई है इस देश का किसान, मजदूर, अकलियत और सभी बैकवर्ड समाज। ये ठगा सा अपने आप को महसूस करता है। महंगाई और बेरोजगारी ने तो आलम बहुत नाजुक कर दिया है। आप देखते हैं महंगाई की हालत, पेट्रोल जो 70 रुपए था 105 हो गया है, दूध जो 30 रुपए में हमको लीटर मिलता था वो 75 रुपए हो गया है, सिलेंडर गैस का 400 रुपए था 1100 रुपए मिल रहा, तेल 80 रुपए था 180 रुपए मिल रहा, दाल 80 रुपए थी 190 रुपए मिली, और इसके बावजूद देश का जो कर्ज हुआ है वो 64 लाख करोड़, 140 लाख करोड़ इस देश पे कर्ज है, जो पहले 64 लाख था 140 करोड़ हो गया, ये तो इस बीजेपी सरकार की उपलब्धि है। साथियों, अब मैं मोदी सरकार के वादे जो है, डबल इंजन की सरकार, उसके वादे गिनाना चाहता हूँ। 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी बात करने की बात कही थी, और तो और हमारे किसानों को और जो गरीब लोग हैं उनके खाते में 15 लाख की बात की थी। साथियों, बच्चों को तो जो हमारे रोजगार देने थे उनको तो पकौड़े तलने सिखा दिए कि तुम तो पकौड़े तलो, रोजगार की जरूरत नहीं। और जो 15 लाख वाली बात थी, वो 5 किलो राशन पर आ गई, 15 लाख तो आपको मिलेगी। मैं अब कहना चाहता हूं कि हमारे जो युवा हैं वो पूरी तरह समझेंगे कि ये झूठे वादे करती है, झूठों की सरकार है, और क्या है इसका मकसद, केवल क्या है मकसद, है हिंदू मुसलमान को लड़ा के और इस देश का अमन चैन समाप्त करना। और आपने देखा है कि जहां अस्पताल की जरूरत है, जहां कॉलेजों की जरूरत है, वहां मंदिर मस्जिद बना रही है। साथियों, इस देश में ये जो बाबा साहब का दिया संविधान था, जो हमें बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था सभी वर्गों को, और ये हल दिया था कि जब तुम अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो इस देश में अपनी सत्ता बना लोगे, तो साथियों वो संविधान आज खतरे में है। काफी अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं, और जो आरक्षण समाज को उनके विकास के लिए दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, सारे संस्थान भेज दिए गए। अब केवल एक बात बचती है, अब ये सारी जनता समझ चुके है, हमारा अकलियत का भाई भी समझ चुका है कि जो सरकार तुम्हें केवल हिंदू मुस्लिम के साथ नारे पर अलग करना चाहती है, इस देश की शांति अमन चैन को समाप्त करना चाहती है, केवल और केवल अगर कोई बचा सकता है संविधान को तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक एक मजबूत सिपाही बहन जी के साथ है। और मुझे तो ऐसा लगता है इस सैलाब से आज कि साथियों, बहन जी की सरकार आने वाली है, बहन जी की सरकार, बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली है, याद रखियो। हमारा अकलियत का भाई थोड़ा धोखे में था, सपा ने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी थी और वो देखता था कि हमारी तो इतने से केवल सपा है, वो ये नहीं जानता था कि इसका आधा परिवार बीजेपी में है, और उसके धोखे में आता गया। लेकिन अब वो पहचान गया, पिछले चुनाव में उसने खूब छक्के वोट दिया सपा को, लेकिन सरकार किसकी बनी, बीजेपी की। जब जब भी हमारे अकलियत के भाई ने
सपा को वोट दिया तो बीजेपी की सरकार बनी। तो इसलिए मैं जब जब भी अपने साथियों में गया या पूरे लोकसभा चुनाव में घूमा हूं, मैंने देखा है, तो अब वो समझ गया है और उसके धोखे में नहीं आएगा, सलावे में नहीं गया आएगा। और वो समझ गया है कि अगर कोई रास्ता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ सामाजिक गठबंधन करने में है। साथियों, यही एक रास्ता है अपने दुखों से निजात पाने का। अगर हमारा अकलियत का भाई, हमारा पिछड़ा वर्ग का भाई और हमारा मुस्लिम वर्ग समझ जा गया है कि अब बहन जी ही केवल रास्ता है और हम सब उसको सपोर्ट करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका एक एक वोट जाने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।